देश की हर शहर की पल पल की खबर सिर्फ वीडियो न्यूज 24 पर। खबर जो नजरिया बदल दे। बनारस नगरी भोलेनाथ की, देवादिदेव महादेव की, शिव की। शिव जो हम सब में हैं, वो अनादि हैं, वो अनंत हैं। शिव में बसता बनारस है। बनारस का नया नाम है वाराणसी। इस पवित्र शहर से होकर गुजरने वाली दो नदियां वरुणा और असी के नाम पर जो शहर बना, उसे वाराणसी के नाम से जाना जाता है। वरुणा नदी और असी नदी दोनों ही वाराणसी से होकर गुजरती हैं। यूं तो वाराणसी से कई छोटी बड़ी नदियां गुजरती हैं, लेकिन इन दो नदियों का शहर के साथ कुछ अलग ही लगाव है। वाराणसी में वरुणा नदी उत्तर में गंगा नदी के साथ मिलती है, तो असी नदी दक्षिण में गंगा से मिलती है। आपको बता दें, 15 अगस्त सन 1947 से पहले ही बनारस के तत्कालीन महाराजा विभूति नारायण सिंह थे। आज़ादी के बाद जब अलग अलग रियासतों का विलय हो रहा था, तब महाराजा विभूति नारायण सिंह ने अपनी रियासत के भारत में विलय के पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। आज़ादी के बाद जब उत्तर प्रदेश बना, तो इसमें टिहरी गढ़वाल, रामपुर और बनारस रियासत को मिलाया गया। 24 मई सन 1956 को शहर का नाम बदल दिया गया, जो बाद में बनारस के नाम से जाना जाने लगा। बनारस की बात चले और उसके घाटों का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आमतौर पर वाराणसी को घाटों और मंदिरों का शहर कहा जाता है। इस शहर को कई अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, वाराणसी, काशी और बनारस। वाराणसी शहर में कुल 88 घाट हैं, जो सभी गंगा के किनारे स्थित हैं। इनमें से अधिकांश घाटों का इस्तेमाल स्नान और पूजन समारोह के लिए किया जाता है, जबकि दो घाटों को विशेष रूप से शमशान स्थलों के रूप में उपयोग में लाया जाता है। वैसे तो वाराणसी में छोटे बड़े लगभग 88 घाट हैं, जहां हर दिन हजारों श्रद्धालुओं और पर्यटक गंगा नदी में डुबकी लगाने, घूमने और नाव की सवारी के लिए आते हैं। धर्म और आस्था की नगरी बनारस में हर रोज सैकड़ों लोग माँ गंगा में स्नान करते हैं, पूजन और अर्चन करते हैं। वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करते हैं। वहीं तमाम सैलानी नावों में सवार होकर बनारस के घाट के अद्भुत नज़ारों को अपने कैमरे में कैद करते हैं। यहाँ के नाविकों का माँ गंगा से एक अद्भुत रिश्ता बन गया है, ठीक वैसे ही जैसे एक माँ का अपने बेटे के साथ होता है। सुबह से लेकर शाम तक हजारों लोगों को अपनी नाव में बिठाकर घाटों की सैर कराने और हर घाट का महत्व और इतिहास बताना यहाँ के नाविकों की अपनी एक कला है। नाव ही है जो इनका और इनके परिवार का पालन पोषण करती है। हमारी मुलाकात बनारस के घाट पर कुणाल मांझी से हुई।
उन्होंने जहां बनारस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हमसे साझा की। नमस्कार, मैं हूं रोकेन कुमार और आप देख रहे हैं BBC24। हमारी कोशिश रहती है कि आप तक सबसे पहले और सबसे तेज खबर पहुंचाए। दोस्तों, इस वक्त मौजूद मैं भोले बाबा की नगरी में, आस्था की नगरी, विश्वास की नगरी और धर्म की नगरी, जहां हजारों श्रद्धालु रोज आते हैं बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। इस वक्त माँ गंगा का विशाल आंचल आप देख सकते हैं। हमारी पूरी टीम इस वक्त मौजूद है एक नाव पर और हमारे साथ एक नाविक मौजूद है। आइए उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कुणाल माझी। कुणाल जी, आप कब से इस नाव के पेशे में हैं? कब से नाव चला रहे हैं? ये तो बनारस में बचपन ही से हम नाव पे काम करते हैं। यानी देखा जाए तो नाव चलाना ही आपकी जीविका है, आपका पेशा है और ये नाव ही है जो आपका पेट भरती है। ऐसा माना जाता है कि नाव का और नदी का बड़ा गहरा रिश्ता होता है। आपको क्या लगता है, कितना जुड़े हैं इस माँ गंगा से? इस माँ गंगा का तो हम लोग तो सेवक हैं और माँ गंगा के जो हर जगह जगह दूर दूर से लोग आते हैं घूमने के लिए और चढ़ने के लिए कि मतलब बनारस काशी में क्या चीज़ है, क्या ऐसा है कि मतलब लोग घूमने के लिए आते हैं यहाँ पर। और देखिए, यहाँ हर एक मंदिर और हर एक ऐसा कहानी है जो लोग जानने की कोशिश करते हैं और वही हम लोग कहानी बताते हैं जो कहानी यहाँ का जो सच्चाई है। और हम लोग जो है हर सवारी को समझाते हैं कि यही ये जगह ऐसा चीज़ है, ऐसा ये मंदिर है, ऐसा ये घाट है, तो हम लोग इसी घाट को जो है दोहराते हैं और बताते रहते हैं कि मतलब हम लोग को जीवन यही जीवन है, गंगा माँ का जो है सेवक है और सारे घाट का बारे में जो है हम लोग बताते रहते हैं। बिल्कुल, बड़ा बड़ा ही पुण्य का काम है कि दूर दूर दराज से, देश के कोने कोने से, बल्कि विदेशों से भी बनारस आती है भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, माँ गंगा में डुबकी लगाने के लिए। लेकिन एक बड़ा मौलिक प्रश्न आपसे पूछता हूँ कि जो चीज किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के नजदीक होती है उसकी वैल्यू या वो चीज खत्म हो जाती है, आपको क्या लगता है यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए उनका उतना ही महत्व है जितना बाहर के लोगों के लिए? देखा जाए तो ये बहुत अच्छे विचार है और अच्छे विचार है। यहाँ मतलब कि हर एक व्यक्ति आते हैं स्नान करने के लिए, घाट धोने के लिए, जो कि यहाँ पावन धाम जो है गंगा माता के इतनी ज़्यादा है और उसके साथ साथ गंगा माता का आरती इतना खास होता है कि मतलब सारी जनता उसको देखने के लिए आते हैं घाट पर और आरती देख कर जाते हैं और घाट घूम कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी आरती होती है और गंगा माता का मान्यता इतना है कि मतलब सभी लोग दूर दूर से आते हैं घूमने के लिए और जानने के लिए कि मतलब गंगा माता का और काशी में ऐसा ऐसा जगह है, ऐसा ऐसा चीज है और नहाने के लिए व्यवस्था है, इसीलिए लोग आते हैं। जी बिल्कुल, दूर दूर से माँ गंगा के आंचल में डुबकी लगाने के लिए, अपने पापों का निवारण करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। एक और सवाल आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पर तकरीबन अभी कितनी भूमि चल रही है और आप लोग हर एक कितनी आया चुप कर? सर, इसमें 9 ड्राइवर, 4,000-5,000 9 ड्राइवर होते हैं और सभी 9 मालिक अलग अलग और 9 ड्राइवर अलग अलग होते हैं। किसी को 2-3 खेवा मिल गया, कोई को 1 खेवा मिल गया, किसी को धोनी भी नहीं होता है। तो रोजगार है, कभी ज्यादा मिलता है, कभी कम मिलता है। मेहनत है, मेहनत करते रहते हैं हम लोग, कोई देता है, कोई कम देता है। पहली बात रोजगार की आप लोग कह रहे तो ये वाराणसी क्षेत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद में विकास कितना हुआ है और आप नाविकों को जो नाव का पेशा करते हैं कितना फायदा हुआ है?
देखिए नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी, आज उनकी वजह से बहुत कुछ हम लोग को मिला है, राशन मिलता है और आवास भी दिए हैं मोदी सरकार हमारे माता जी को, और उसके बाद कई गरीब आदमी को पूरे मिला है। और जो है यहाँ पर घाट किनारे पर इतना बढ़िया उनका जो है काम हुआ है कि मतलब कि हम लोग बहुत खुश है कि आज उन्हीं की वजह से हम लोग तक आलोटी चल रहा है। और दूसरी बात, साफ सफाई का अभियान उनका जब से चला है आठ साफ सुथरा है गंगा जल माता का नहीं करे, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से ही माँ गंगा की सफाई का अभियान चला था जी, निर्मल गंगा स्वच्छ गंगा जी, वो काफी हद तक यहाँ पर सार्थक होता हुआ दिख रहा है जी। एक चीज और बताइए कि यहाँ इतने सारे तमाम घाट बने हुए हैं, इन सारे घाटों की जो महत्वता है वो संक्षेप में थोड़ा थोड़ा करके सबके बारे में बताइए। देखिए घाट चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, घाट जो है पूरे घाट का जो है एकदम मान्यता है, चाहे आप जो है छोटे घाट को घूमिए चाहे बड़े घाट को घूमिए, जो मान्यता है वो मान्यता ही रहेगा। और जो है सारी जग का जो है काशी विश्वनाथ मंदिर है, और घूमने के लिए लोग उतावला होते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर कैसा है, कैसा है, क्योंकि यहाँ का मंदिर जो है बहुत अच्छा है और बहुत दिव्य अथवा मंदिर है, और यहाँ पर घूमने के लिए लोग बहुत खुश होते हैं और खुश होकर जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर कितने घाट हैं नदी के किनारे? घाट पूछेंगे तो 365 घाट आता है, 80 घाट से चालू होता है और वरुणा पुल तक पूरा घाट आता है, कोई पूरा घाट घूमता नहीं है, और कोई घूमता है 40 घाट, कोई घूमता है 20 घाट, कोई घूमता है 10 घाट, घाट घूमने के ऊपर होता है जितना घाट। यहाँ पे जो मुख्य घाट है जैसे हमारी गंगा है जी, और जो घाट है उनके बारे में बताइए। घाट तो देखिए खास खास घाट होता है जिसमें कि लोग को बताया जाता है, जिसे मणिकर्णिका जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, और वहाँ का चिता आग कभी ठंडा नहीं होता है, 2400 घंटा जलता है, एक बार राजा हरिचंद घुस जाएगा लेकिन वहाँ का घुसता नहीं, और वहाँ का बहुत जो लगता है वो महातिव बहुत होता है, और आरती में भी वही बहुत लगाया जाता है जो कि बहुत महाभूत होता है और दिव्य होता है, और इसके साथ साथ आरती से इतना बढ़िया होता है कि कोई कहने की बात नहीं है, और आरती देखने की हर देश का हर जगह का लोग आते हैं और देखकर जाते हैं। चलते चलते हम कुणाल माझी से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे दर्शकों के लिए कुछ गुनगुना दे जो नाव चलाते समय मस्ती में गाते हुए चलते। गंगा की पावन धारा बहती है, सबकी पाप अपने सर पे उठा के मार धोती है, माँ गंगा की पावन धारा बहती है, सबको पाप बटोरते माता बहती है। माँ गंगा की आरती का समय हो चुका है, घाट पर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है, ऐसा लगता है कि भक्त और भगवान एक हुए जा रहे हैं, और बनारस के घाटों पर शिव और शिव में बनारस बसता चला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीडियो न्यूज 24। देश की हर शहर की पल पल की खबर सिर्फ वीडियो न्यूज 24 पर, खबर जो नजरिया बदल दे।